इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल बोर्स मॉडल जो होता है उसके रिलेटेड कई सारे फार्मूला होते हैं जैसे रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट या फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनेथ बोर ऑर्बिट तो सबसे पहले हम जानेंगे रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट और शेल जो होता है वो कैसे निकाला जाता है तो देखिए इसके अंदर हमें दो इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ता है पहली इक्वेशन जो होती है इट इज़ एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये इक्वेशन कहाँ से आई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है ये प्रोवाइड किससे होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो प्रोवाइड किससे होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स अब इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स किस में होती है तो जैसा कि मैंने बताया था न्यूक्लियस जो होता है उस पर चार्ज होता है जेड इन टू ई और जो न्यूक्लियस है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव कर रहा होता है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी देख ली थी के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर होती है तो उसकी जो वैल्यू आई थी इट इज़ इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर वन मानते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था इस इक्वेशन को ऑलरेडी पढ़ लिया था और एक और बात हमने देखी थी एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से कि एम वी आर यानी एंगुलर मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई यानी इट इज़ इक्वल टू एन एच बाई टू पाए ये जो एन होता है ये हर शेल से वेरी करता है यानी पहली अगर शेल है तो एन की वैल्यू वन आएगी अगर शेल नंबर टू है तो इसकी वैल्यू टू आएगी ओके दिस इज़ द इक्वेशन नंबर टू अब एक काम करते हैं जो इक्वेशन नंबर टू है इससे वी जो होता है वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो जो m और आर है इसको हम लेफ़्ट से राइट right साइड की तरफ अगर लेके जाएं तो वी की जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू nh एच डिवाइड बाय टू पाई और ये mr आर अब नीचे आ जाएंगे इट इज़ mr ये जो वैल्यू है v की जो वैल्यू है इसको अगर मैं इक्वेशन वन में पुट करूँ वेन आई पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन वन में जो v यहाँ पे है उसमें हम लिखेंगे nh एच बाई टू पाई एम तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू m बाई आर इन टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई एम आर स्क्वायर यानी जहाँ पे v था हमने उसको पुट किया इट इज़ इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर इस तरह की इक्वेशन आएगी अब आप इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करके आपको निकालना होगा आर की वैल्यू काफी टर्म्स इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो रेडियस इन एन एथ ऑर्बिट है इसकी वैल्यू आती है एन स्क्वायर वेर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे केश शेल के लिए इसकी वैल्यू आएगी वन एल के लिए इसकी वैल्यू आएगी टू एच स्क्वायर एच यहां पे क्या होता है आप सभी को पता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई जेड जेड जो होता है इट इज एटोमिक नंबर इंटू फोर पाई स्क्वायर इंटू एम एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और के होता है कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो एच स्क्वायर है फोर पाई स्क्वायर है मास है कांस्टेंट है ये जो पूरी वैल्यू है दिस वैल्यू इज़ कांस्टेंट इन ईच इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाय जेड अगर हम इस रेडियस को एंगोस्ट्रॉम में लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाय जेड अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए यानी फोर एच ऐटम तो एच एटम के साथ क्या होगा एच एटम के केस में जेड की वैल्यू होगी वन और अगर जेड की वैल्यू वन होगी तो ऐसे केस में रेडियस इन एनेथ ऑर्बिट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर Z तो वन हो गया अब मान लीजिए हमें निकालना है हाइड्रोजन आइटम के लिए रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट पहले ऑर्बिट के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू वन स्क्वायर मतलब इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एंगोस्ट्रॉम यानी जो हाइड्रोजन आइटम होता है उसकी फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस उसका रेडियस जो होता है उस शेल का इट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन अब एक और बात को आप नोटिस कर सकते हैं कि पॉइंट वैल्यू तो कॉन्स्टेंट तो हम कह सकते हैं रेडियस इज इन एन ऑर्बिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड यानि जैसे जैसे शेल की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे शेल जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा एन की वैल्यू टू थ्री फोर बढ़ेगी तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और जेड की वैल्यू जितनी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली रेडियस उसमें क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आइए अब इससे रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या है आइए उसको समझते हैं देखिए इफ आर थ्री ऑफ हीलियम प्लस आयन हीलियम प्लस का आयन है उसमें जो रेडियस है थर्ड शेल में यानी एम शेल में जो रेडियस होता है उसको मान लेते हैं इट इज़ इक्वल टू एक्स एंगोस्ट्रॉम अब हमें निकालना है आर टू यानी सेकेंड शेल का रेडियस निकालना है कि इसमें लिथियम के आयन में इन टर्म्स ऑफ एक्स जो एक्स है इसकी टर्म्स में आपको इसे निकालना है तो देखिए सबसे पहले जो रेडियस है हीलियम के केस में उसको हम निकालते हैं आर थ्री को आर थ्री की जो वैल्यू होगी इट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड के केस में जो एन की वैल्यू हमने देखी वो क्या है थ्री यानी इट इज़ इक्वल टू नाइन डिवाइड बाय जेड जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो हीलियम के केस में जेड की वैल्यू क्या होगी टू अब आर थ्री जो है इट इज़ इक्वल टू एक्स एंगोस्ट्रॉम तो इसको इक्वेट कर सकते हैं एक्स के इक्वल अब देखिए हम निकालते हैं लिथियम के लिए आर टू आर टू की वैल्यू जो होगी इट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू एन स्क्वायर एन की वैल्यू इस केस में टू है तो टू का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी थ्री तो अब हमें इसको निकालना होगा तो यहाँ पे टू स्क्वेयर की वैल्यू आएगी फोर एंड दैट इज इक्वल टू आर टू ये जो आर टू है इसकी वैल्यू ही आ जाएगी तो देखिए इसको एक्स की टर्म्स में निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर वन मानते हैं इसको इक्वेशन नंबर टू मानते हैं तो अब क्या करते हैं टू को हम वन से डिवाइड करते हैं टू को जब हम वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आर टू डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू फोर बाय थ्री डिवाइड बाय 0.529 पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू नाइन बाय टू इसमें फाइव टू नाइन फाइव टू नाइन कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सिंपलीफाई हम करेंगे तो इट इज इक्वल टू एट बाईट ट्वेंटी सेवन तो कैलकुलेशन पार्ट आपको अपने आप करना होगा अब ये जो चीज़ है इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम ये अब देखिए ये वैल्यू हमने पहले पुट की तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई अगर हम इसको पहले पुट नहीं करते तो चीज़ें आसान रहती जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हम एन वन इसको मान लेते हैं जेड वन और इसको मान लेते हैं हम इनफैक्ट एन टू और इसको मान लेते हैं जेड टू और अब पहले उसको डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज़ पुट करते तो चीज़ें क्या होती रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड होती तो यानी वैल्यूज़ हमेशा हमेशा हमें क्या करनी चाहिए लास्ट में पुट करनी चाहिए तो इस वीडियो में आपने देखा रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट कैसे हम निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनथ बोर ऑर्बिट के अंदर उसको कैसे निकालते हैं